हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और वेदर, और मन्हा सुबह स्कूल जा रही है, और वेदर कल मैंने आपको दिखाया था, बड़ा अच्छा वेदर था, धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जो है वो बारिश है। तो यहाँ पे अमेरिका में यही चीज़ है कि वेदर का कोई भरोसा नहीं है, एक्सट्रीम पे होता है, या तो एक्सट्रीम पे गर्मी होती है और या एक्सट्रीम पे सर्दी होती है। इसलिए तो फिर एक वेदर का कोई भरोसा नहीं है, और एक दूसरा सेहत का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त भी बिगड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि वेदर जो है वो इतना अप एंड डाउन होता है। तो नाश्ता मैंने कर लिया था, मैं मन्हा को छोड़ के आ गई थी। नाश्ता सिंपल था, फ्राई एग था और साथ हैश ब्राउन था और ब्रेड थी, और साथ मैंने चीज़ लगा ली थी ब्रेड के ऊपर। और बस नाश्ता करके तो मैं फ़ौरन ही जो है ना वो खाना बना लेती हूँ, और किचन का जितना भी काम होता है, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, और जो क्लीनिंग करने वाली होती है साथ साथ वो कर लेती हूँ। तो आज मैं जो खाना बना रही थी वो है आलू बैंगन, और बैंगन लेके आई थी वो भी इतने अच्छे नहीं मिले थे, एक दो दिन और ये पड़े रहते ना तो इन्होंने ख़राब हो जाना था। तो बस वेजीज़ का यहाँ पे आजकल यही प्रॉब्लम चल रहा है, तो बस मैंने कहा कि इसको बना लिया जाए इससे पहले कि ये ख़राब हो। तो बस आलू बैंगन बनाए थे। ये रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने बैंगन लिया, उसको फ्राई किया अलग से, आलू जो है उनको अलग से फ्राई कर रही हूँ, और फिर इनको निकाल के मसाला बना लूँगी। प्याज जो है उनको कर लूँगी, जिस तरह मसाला बनाते मसाला बना के, और फिर बाद में सारा कुछ डाल दूँगी। तो मन्हा जो है वो मुझे दो तीन दिन से यही कह रही थी कि मैंने जो है ना बाहर घूमने फिरने जाना है, वो बोर हो रही थी। दो दिन से हम घर में ही थे, बाहर नहीं जा रहे थे, तो मन्हा को यही था कि मुझे बाहर ना कहीं ले के जाया जाए। तो यहाँ पे एक है चक्की चीज़ है, बच्चों का जो है ना फेवरेट जगह है, जिसका मुझे याद है पाकिस्तान में जब हम छोटे होते थे तो एक सिंदबाद होता था, जिस तरह इंडोर गेम्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है वो चक्की चीज़ है, बच्चों का बहुत मोस्ट फेवरेट चीज़ है। अमेरिका में भी है और कैनेडा में भी है, तो ये बच्चे जो है ना यहाँ के वो क्रेज़ी हैं उसके। तो मन्हा मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने जाना है चक्की चीज़ जाना है, तो ऑलमोस्ट ये हफ्ते में दो तीन दफ़ा तो जाते ही हैं चक्की चीज़। तो बस आज उसको चक्की चीज़ लेके जाएंगे जैसे ही मन्हा आएगी स्कूल से। तो अभी बस मैंने ये प्याज जो है वो डार्क ब्राउन करके, और इसमें आप इस पॉइंट पे चाहें तो जो ग्राइंडेड होता है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा खड़ा खड़ा सा डाला है, मैंने मोटा मोटा सा डाल दिया, लहसुन भी और अदरक भी, उसे एक ज़बरदस्त अलग सा टेस्ट आता है, तो कभी कभी वैसे भी बना लेना चाहिए। तो बस ये डाल के, और ऊपर मैंने ज़ीरा डाल दिया। अगर आप चाहें तो फ्राई करते वक्त भी ज़ीरा डाल सकते हैं आलू के अंदर, जब आलू को आप फ्राई कर रहे हो तो आप तब ज़ीरा डाल दें। तो फिर मैंने साथ ही जो है वो टमाटर डाल दिए, और इसमें सारी जितनी भी स्पाइसेस हैं आपकी अपनी चॉइस है, जो जो स्पाइसेस डालना चाहें, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, और कोई भी जो है वो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। कटे कटे आलू बहुत मज़े के बनते हैं, आलू बैंगन, इस बीच में इमली भी डाल सकते हैं, यानी आप जितना बढ़ाना चाहें चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो बस ये मसाला जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसमें बस ये जो फ्राई किए हुए आलू और बैंगन है इनको डाल देना, और ये झटपट जो है वो आलू बैंगन तैयार हो जाएंगे। और एंड पे यही जो है वो कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी, ताकि एक ज़बरदस्त जो टेस्ट आता है ना मसाले में, जब ये डालते हैं तो बड़ी खुशबूएँ भी आ जाती हैं। तो ये डाल के और साथ आलू बैंगन डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको दम पे रख देना, और ये रेडी हो जाना है। अच्छा, मैं आपको जो वेदर का बता रही थी ना, जिस स्टेट में हम रहते हैं ये वर्जीनिया है, अमेरिका की जो है वर्जीनिया स्टेट है, और यहाँ पे वेदर एकदम बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है। गर्मी होती है और इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है, और फिर सर्दी जब होती है तो वो भी शदीद किस्म की होती है, और यानी आप सुबह जो है ना आप घर से निकले हैं तो सख्त सर्दी है, वापसी पे गर्मी हो जाएगी अगर आप वापस घर आएंगे 4-5 बजे आप घर आएंगे, और अगर सुबह इसी तरह गर्मी है और वापसी तक सर्दी हो जाएगी, तो इतना जो है ना वेदर ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेट में तो ये है, आई डोंट नो बाकी जो डिफरेंट दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है, ये वर्जीनिया में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप बाहर सुबह निकलते हैं वेदर कुछ होता है, वापसी तक वेदर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये जी मेरा जो है ना वो ऑलमोस्ट खाना भी रेडी होने लगा था, बस मैं खाना खाऊंगी और फिर तब तक जो है ना वो मन्हा को भी लेने का टाइम हो जाएगा, साथ मैंने अपनी रोटी रख दी है,
अच्छा, रोटी में एक तो पैकेट्स की भी यूज़ करती हूँ और घर में भी कभी कभी बना लेती हूँ। मोस्टली पैकेट की ही यूज़ करती हूँ, अगर दूसरे काम वगैरह कम हो तो फिर आटा गूंद के बना लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है ना वो डिफरेंट किस्म के राइस ले आए थे, तो मैंने कहा वो तो मुझे नहीं बिल्कुल पसंद, वो फिर कभी कभी बनाए जा सकते हैं, रोज़ वो नहीं खाए जाते। बड़े जो है ना लेसी से चावल थे, तो ये यूज़ करती हूँ मैं, जो रॉयल हैं राइस ये वाले यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे राइस हैं। और यहाँ पे जो है खाना मैंने खा लिया था, हसन ने भी खा लिया था, हसन सो गया था, उसका नैप टाइम हो गया था, और फिर ये मैं मनहा को लेने आई थी। और यहाँ पे भी देखिए अमेरिका में भी जो है ना वो बारिश का जो पानी है वो भी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फोरी फोरी अगर ये पानी खड़ा है तो इसको अब ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हो जाता है सिस्टम ऐसा। तो मनहा आ गई थी स्कूल से और इसको मैंने खिला पिला दिया था, और बस फिर इसको जो है ना फ़ौरन फ़ौरन यहाँ पर लेके आए हैं। ये है अमेरिका का चक्की चीज़, और यहाँ पे जो है ना बच्चों का ये सारा इंडोर प्ले एरिया है सारा, और डिफरेंट किस्म की गेम्स वगैरह हैं। और ये एक नया चक्की चीज़ है जहाँ पे हम आए हैं, लास्ट काफ़ी अर्से तो हम दो चक्कीज़ पे ही जा रहे थे, ये थर्ड वन चक्की चीज़ है। इधर ये है कि इधर बच्चों छोटे जो बच्चे हैं ना उनके लिए एक अलग से सेक्शन सा बनाया हुआ है, वहाँ पे छोटे छोटे जो टॉयज हैं उनकी एज के वो पड़े हुए हैं, बाकी ये बड़े बच्चों के भी गेम्स हैं। तो बच्चे मनहा और हसन तो दोनों साइड्स पे ही जा रहे थे, वहाँ पे भी जा रहे थे और यहाँ पे भी जा रहे थे। और यहाँ पे ये होता है कि जिसका एक कार्ड होता है वो रिचार्ज होता रहता है, और आपके ऑलमोस्ट जो है ना $50-100 तो लग ही जाते हैं बच्चों के एक सेटिंग में, बच्चे इतना यूज़ करे, वो बार बार यूज़ करते हैं कार्ड, और उनको होता है कि हम ये भी खेलें वो भी खेलें। तो यहाँ पे ये है कि, और इसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी होता है, बच्चे पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, और बच्चों के लिए अच्छी है जिस तरह सख्त सर्दी हो तो उसके लिए तो ये इंडोर जो गेम्स वगैरह होती हैं या प्ले एरिया वगैरह होते हैं तो वो बेस्ट हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे घर में तो बिल्कुल स्टक रह ही नहीं सकते, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनको कहीं ना कहीं बाहर जो है ना वो डेली बेसिस पे लेके जाया जाए, ताकि वो जिस तरह हसन जो है वो घर में ही रहता है, मनहा तो माशाल्लाह स्कूल जाती है, वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है। हसन अब सारा दिन अगर पूरा 1 वीक घर के अंदर ही रहेगा तो वो थोड़ा डल डल सा हो जाएगा, तो हसन को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी सी उसका भी फ़न हो जाए, तो उसको हम फिर डेली हमारी कोशिश होती है कहीं ना कहीं जाया जाए, ताकि उसकी भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो। इस तरह यहाँ पे सख्त सर्दी होती है तो बाहर तो अब हम जा नहीं सकते, ये जो आउटडोर प्ले ग्राउंडस वगैरह हैं और प्ले एरियाज़ वगैरह, तो इंडोर प्ले ग्राउंड प्ले एरियाज़ जो हैं वो सर्दियों में तो बेस्ट हैं बच्चों के लिए। तो उनमें से एक ये चक्की चीज़ है जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, यहाँ पे बच्चे लाजमी आते हैं। अच्छा, बच्चों ने यहाँ बहुत ज़्यादा खेला था, और मन्हा तो अब बिल्कुल थक चुकी थी क्योंकि सुबह की स्कूल भी गई थी, फिर आके खाना वगैरह इसको खिलाया तो फ़ौरन हम इधर आ गए, बल्कि रास्ते में गाड़ी में भी थोड़ा थोड़ा खिलाती आई थी, बड़ा स्लो खाती है, तो अगर उसको ज़्यादा टाइम खिलाने में बैठ जाती तो वो तो इसने रात वहीं पर कर देनी थी घर में, तो इसको साथ साथ खिलाती रही। तो ये जो बच्चे जब थक जाते हैं ना तो फिर तंग भी करना स्टार्ट हो जाता है, मन्हा को तो समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। तो अब उसको यही था कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने इसका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और बस पिज़्ज़ा खाएगी मनहा यहाँ से। और ये माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी है कि जितना थक जाती है ये लोग बच्चे जो है ना फिर खुद पिज़्ज़ा खा लेते हैं। हसन तो माशाल्लाह शुरू से खुद खाता है, मनहा खुद नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे मनहा माशाल्लाह खुद बड़ी स्पीड में जो है ना वो पिज़्ज़ा खा लेती है। तो बस बच्चों ने यहाँ पे फुल इंजॉय किया, फ़न किया, और इनका पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया, बस बच्चे अब पिज़्ज़ा खाएंगे। और आई होप सो आपको भी आज की जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की और पूरा दिन जो आपके साथ स्पेंड किया आपको अच्छा लगा हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और प्लीज़ कमेंट भी किया करें आप लोग कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी दीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। देखो।